केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश करने जा रही है। नागरिकता संशोधन विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है जिन्होंने भारत में 6 साल गुजार लिए हैं लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं। एक रिपोर्ट इसी पर देखिए। मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है। नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर के राज्य विरोध कर रहे हैं। पूर्वोत्तर के लोग इस बिल को राज्यों की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत से खिलवाड़ बता रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता इस बिल पर कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि क्या है नागरिकता संशोधन बिल 2019। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राहत मिलेगी। इन देशों से हिंदुओं के साथ ही सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। अब 12 साल की बजाय 7 साल से भारत में रह रहे अल्पसंख्यक प्रवासियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। ये विधेयक असम ही नहीं, देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा। जिन्हें इसके तहत नागरिकता मिलेगी वो देश के किसी भी हिस्से में रह सकेंगे। और अब जान लेते हैं इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। विपक्षी दल नागरिकता संशोधन बिल को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का आरोप एनआरसी पर इसका गलत असर होगा। विपक्ष बिल से असम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। आतंकवाद आज पूरे विश्व की समस्या खड़ी हो चुकी है। पूरे विश्व के लोगों को इस पर चर्चा करते हैं, राष्ट्रमंडल सम्मेलन हो या पूरे विश्व का जो सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन में भी आतंकवाद एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट होता है, चर्चा होती है, उस पर मंथन होता है। श्री जयशंकर जी ने जिस बात को कहा है, हर लोगों को अपना दिल को साफ रखना होगा। पाकिस्तान का एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पर आतंकवादी लोग शरण लेते हैं, तो शरण देना बंद कर दें और जब खुद ठीक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरे को भी संदेश देने की बात होगी। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए और आतंकवादियों को अंकुश लगाना चाहिए और उनको सरेंडर कर देना चाहिए। जहाँ के भी हैं, जहाँ से वो आए हैं, उनको सरेंडर कर दें। एक बड़ा फैसला होगा और एक अच्छा बड़ा संदेश जाएगा। देखिए, नागरिकता विधेयक के कई ऐसे अंश हैं जिसमें जनता दल यूनाइटेड की असहमति बरकरार है और हम ये चाहेंगे कि इन तमाम ट्रस्टों पर फ्लोर प्रबंधन की जरूरत है और व्यापक सहमति बिल के मसौदे के पहले तमाम राजनीतिक दलों के बीच होनी चाहिए, जिससे कि उन विवादित प्रावधानों को लेकर जो हमारा नजरिया है उसका समाधान भी ढूंढा जा सके। असम में बीजेपी के साथ सरकार चला रहा असम गण परिषद भी नागरिकता संशोधन बिल को स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध कर रहा है। असम में एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में नागरिकता संशोधन बिल लागू होने की स्थिति में एनआरसी के प्रभावहीन हो जाने का हवाला दिया जा रहा है और बिल का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।